लाल चंदन और सफेद चंदन में कौन सा चंदन होता है सबसे कीमती? किस चंदन को लगाने से आप करोड़पति बन सकते हैं? दोनों चंदन की प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, कहाँ इसकी लकड़ी बिकती है, कितने रुपये किलो सफेद चंदन और लाल चंदन का रेट होता है, ताकि आप डिसाइड कर पाए कौन सा चंदन आपको लगाना सही रहेगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है लाल चंदन की लकड़ी, इसको लाल सोना बोला जाता है। ये मेनली दो टाइप का होता है, मैसूर का चंदन और कर्नाटक का चंदन। वैसे अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग रेट मिलते हैं। दूसरा होता है सफेद चंदन, इसको श्वेत चंदन, पीला चंदन भी बोला जाता है, और व्हाइट सैंडलवुड इसका ओरिजिनल जो नाम है प्रचलित, व्हाइट सैंडलवुड ये होता है। और लाल चंदन को दोस्तों रक्त चंदन भी बोला जाता है, रेड सैंडलवुड इसका नाम होता है। इनके कीमती होने का सबसे मुख्य कारण है चंदन का तेल जो है बहुत बहुमूल्य होता है। चंदन के ऑयल से काफ़ी सारे परफ्यूम्स, इत्र बनते हैं, और बहुत सारी मेडिसिंस में इसके ऑयल का यूज़ किया जाता है, जिस कारण चंदन की लकड़ी का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है दोस्तों चंदन के मुख्य उपयोग जो इसको बहुत बहुमूल्य लकड़ी बनाते हैं, चाहे वो सफ़ेद हो या लाल चंदन। ये जो आप देख रहे हैं ये है सफ़ेद चंदन का पेड़, कुछ इस तरीके से इसके प्लांट होते हैं, और ये है दोस्तों लाल चंदन का पेड़। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लाल चंदन का पेड़ और सफ़ेद चंदन का पेड़ बहुत अलग अलग होता है। इसकी पत्तियां लंबी नुकीली होती हैं, और लाल चंदन की पेड़ अंडानुकार होती हैं और गोलाई लिए हुए होती हैं। लाल चंदन बहुत ज़्यादा इसके लिए इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है नॉर्मल, जैसे कि ये साउथ में ज़्यादातर होता है, लेकिन सफ़ेद चंदन कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती हो रही है। हालांकि लाल चंदन भी होता है, लेकिन उतनी अच्छी उपज इसकी नहीं देखी गई है अन्य जगहों पर साउथ के अलावा। और सफ़ेद चंदन की तो दोस्तों हर स्टेट में, यहाँ तक कि काफ़ी सारी जगह उत्तराखंड में, हिमाचल में, यूपी में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, बहुत जगह किसानों ने इसकी फार्मिंग स्टार्ट कर दी है, और अच्छे खासे परिणाम उनको इसके मिल रहे हैं। तो लाल चंदन और सफेद चंदन दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो लाल चंदन की लकड़ी कुछ इस तरीके से होती है, पूरी लाल होती है ये दोस्तों, और इसका जो रेट होता है वो बहुत अच्छा रेट आपको मिलता है। ये जो अंदर इसकी राई होती है ये बहुमूल्य है दोस्तों, इसकी कीमत बहुत है, गोल्ड के बराबर इसकी कीमत होती है। ये सफ़ेद चंदन की लकड़ियाँ हैं, इसके अंदर का जो हार्डवुड होता है ये ही बहुत कीमती होता है और बहुत काम का होता है। तो इस तरीके से दोस्तों लाल चंदन और सफ़ेद चंदन दोनों ही बहुत उपयुक्त हैं। आप किसी की भी खेती कीजिए, आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा इसके अंदर दोस्तों मिलने वाला है। अगर आपके यहाँ पर लाल चंदन होता है तो आप लाल चंदन लगाइए, बहुत अच्छा मुनाफा लगभग 15 से 20 साल में आपको इसमें मिलने वाला है। अब करते हैं प्राइस की बात। सफ़ेद चंदन की प्राइस लगभग 4,000 रुपये प्रति किलो, कहीं पर 5,000 रुपये प्रति किलो, और ये दोस्तों एरिए के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करती है। तो आप मान के चलिए 3 से 5,000 रुपये प्रति किलो सफ़ेद चंदन का प्राइस आपको मिल जाता है। वहीं मैं लाल चंदन के रेट की बात करूं तो लाल चंदन जो होता है दोस्तों सफ़ेद चंदन से थोड़ा सा कम कीमती होता है, 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये, कहीं कहीं पर 4,000 रुपये प्रति किलो तक लाल चंदन की लकड़ी आपको मार्केट में मिल जाती है, और आपकी जो लकड़ी इसी रेट के इसी भाव पर बिकती है। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग प्राइसिंग चलती है लाल चंदन और सफ़ेद चंदन की। तो लाल चंदन थोड़ा सा कम महंगा होता है सफ़ेद चंदन के कंपैरिजन में। मात्र चंदन के 200 पेड़ से ही आप करोड़पति बन सकते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको पूरी जानकारी दी गई है। ये है दोस्तों सफ़ेद चंदन का हार्डवुड, सफ़ेद चंदन की लकड़ी, ऐसे लाल घेरे के अंदर ये हार्डवुड होता है, जो दोस्तों कम से कम 4 से 5,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बहुत आसानी से बिक जाता है। तो अभी दोस्तों हम लोग इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, चंदन में पूरा सपोर्ट, किस तरीके से इसकी फार्मिंग करनी है, कहाँ इसका माल बिकेगा। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी लकड़ी को बिकवाते हैं, खरीदते हैं, सारे प्रोसेस हम लोग इसमें करते हैं। तो सफ़ेद चंदन दोस्तों बेहतर होता है। अगर मैं वहीं टाइम टेन्योर की बात करूँ तो सफ़ेद चंदन को तैयार होने में 12 से 15 साल लगता है, वहीं लाल चंदन जो है 25 से 30 साल में लाल चंदन की लकड़ी कटिंग के लिए तैयार होती है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए सफ़ेद चंदन जो है आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा, मात्र 15 साल में ही ये आपकी कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं लाल चंदन दोस्तों काफ़ी लंबा समय इसमें लगता है, और प्राइसिंग में भी आपको जो है लाल चंदन का प्राइस थोड़ा सा
कम मिलता है और मार्केट भी उसकी थोड़ा सा कम होती है। तो इस कारण से सफ़ेद चंदन को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी खासी संख्या में सफ़ेद चंदन का प्लांटेशन किसान भाइयों ने लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों चंदन की खेती के ऊपर डिटेल्ड में एनालिसिस, कैसे इसका होस्ट मैनेजमेंट करना है, कौन सा दूसरा पेड़ इसके साथ लगता है, चंदन में आप क्या काम ऐसा करें कि चंदन आपका बहुत अच्छी रफ्तार के साथ बढ़ने लगे, क्या चंदन के पेड़ वाकई आपको करोड़पति बना सकता है, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।